नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 9 जुलाई। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या 13,000 के पार। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या 13,000 के पार। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई है। बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बीते दिन जारी किए गए अपडेट तक 749 नए मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद बिहार में प्रभावितों की कुल संख्या 13,274 पर पहुंच गई है। पाए गए मामलों में प्रभावित जिलों की बात करें तो पटना में 235, अररिया में 8, अरवल में 12, औरंगाबाद में 7, बांका में 5, बेगूसराय में 67, भागलपुर में 50, भोजपुर में 2, बक्सर में 14, दरभंगा में 8, गया में 15, गोपालगंज में 61, जमुई में 6, जहानाबाद में 18, कैमूर में 6, खगड़िया में 14, किशनगंज में 8, लखीसराय में 10, मधेपुरा में 13, मधुबनी में 17, मुंगेर में 24, मुजफ्फरपुर में 17, नालंदा में 3, नवादा में 36, पश्चिम चंपारण में 1, पूर्वी चंपारण में 8, पूर्णिया में 22, रोहतास में 7, सहरसा में 5, समस्तीपुर में 2, शेखपुरा में 8, शिवहर में 2, सिवान में 20, सुपौल में 13, वैशाली में 3 मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ इसे ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी गई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से शाम 4 बजे तक जारी किए गए अपडेट के अनुसार कोविड-19 से अब तक 9,541 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं इससे 100 लोगों की जान भी जा चुकी है। पटना एम्स में पहली प्लाज्मा थेरेपी के परिणाम आए सकारात्मक। पटना एम्स में प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया गया था। मिली जानकारी के अनुसार प्लाज्मा थेरेपी पटना एम्स में सफल साबित हुए हैं। बीते दिन बिहार में पहली बार किसी मरीज का इलाज प्लाज्मा थेरेपी से किया गया है और उसका परिणाम पॉजिटिव आया है। पटना एम्स में भर्ती मुजफ्फरपुर के संक्रमित डॉक्टर को प्लाज्मा चढ़ाए जाने के बाद पॉजिटिव परिणाम मिलने के बाद संस्थान ने अब और संक्रमितों पर प्लाज्मा थेरेपी से इलाज शुरू करवा दिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कई मरीजों की स्थिति नाजुक होने के कारण ही आईसीएमआर से प्लाज्मा थेरेपी की अनुमति की मांग की गई थी, जिसके बाद अनुमति मिलते ही इन्हें प्लाज्मा थेरेपी दिया गया है। किशनगंज मधुबनी के बाद अब राजधानी पटना समेत कई जिलों में लगाया गया संपूर्ण लॉकडाउन। कोविड-19 के बेकाबू बढ़ते मामलों को देखते हुए पहले ही मधुबनी और किशनगंज में लॉकडाउन लगाया गया था। इसी क्रम में राजधानी पटना में लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए 7 दिनों के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिसकी शुरुआत शुक्रवार से होनी है। इसकी पुष्टि पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने भी कर दी है। सिर्फ राजधानी पटना ही नहीं बल्कि नवादा और भागलपुर में भी संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला सुना दिया गया है। भागलपुर में 9 से 13 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा, वहीं नवादा में 10 से 12 जुलाई तक। सचिवालय में अब बाहरी लोगों की नो एंट्री। कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के कारण आम नागरिकों की एंट्री सचिवालय में पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दी गई है, जिसके परिणाम स्वरूप अब बिना पास वाले लोग सचिवालय में अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे। गृह विभाग की तरफ से जारी पत्र में साफ साफ कहा गया है कि सचिवालय और अन्य संलग्न कार्यालय भवनों में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगाया जाता है। सचिवालय में आने वाले लोगों को पहले फोन से कन्फर्म करना पड़ेगा, उसके बाद ही उन्हें निर्धारित तारीख को एक पास दिया जाएगा, उसको लेकर ही सचिवालय में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। बिहार सरकार ने प्रवासियों को रोजगार देने की कही बात। बिहार सरकार ने बाहर से आए प्रवासियों को रोजगार मुहैया करवाने का दावा किया है, जिसके तहत कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि अभी हाल ही में बिहार की औद्योगिकी नीति में बिहार सरकार ने सकारात्मक परिवर्तन किया है, जिससे राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश होगा। इनसे लोगों के बीच में रोजगार उत्पन्न होने की संभावना भी बढ़ गई है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिल रहा है। राज्य में समय पर बारिश होने के कारण बिहार वापस लौटे प्रवासियों के लिए कृषि के क्षेत्र में रोजगार की अवसर भी मिल रहे हैं। मौसम विभाग ने बिहार में कई जिलों में भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की जताई संभावना। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान जारी करते हुए बिहार के कई जिलों में 12 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना जताई है, जिसके तहत विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि बागमती बेसिन में मूसलाधार बारिश होगी, जिससे कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके साथ ही पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, बेगूसराय, खगड़िया, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, भागलपुर में भी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। इतना ही नहीं, रोहतास के सासाराम, शिवसागर, सासाराम सदर, तिलौथु प्रखंड में आकाशीय बिजली गिरने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। बिहार के सरकारी विद्यालय में है प्राइवेट स्कूल जैसी सुविधा। अक्सर सरकारी स्कूल का नाम सुनते ही लोगों के जहन में सरकारी स्कूल की एक अलग ही छवि बन जाती है, मगर गया के एक सरकारी स्कूल को देखकर एक बार असमंजस में जरूर पड़ जाएंगे कि यह सरकारी स्कूल है या कोई प्राइवेट स्कूल। गया के एक सरकारी स्कूल में पेंटिंग में रुचि रखने वाले कुछ छात्रों ने अपने हुनर के बदौलत पूरे स्कूल की तस्वीर ही बदल दी है। रोशनी टांग, श्रेया जैन, राधा कुमारी, खुशबू कुमारी और विवेक टांग नामक छात्रों ने पेंटिंग के सहारे प्रोफेशनल पेंटर की तरह पूरे स्कूल को सजा दिया है। जानकारी के लिए आपको बता दें, इन छात्रों ने जिला प्रशासन द्वारा शुरू की गई बाला एक्टिविटी के तहत यह काम कर दिखाया है।
आकाशीय बिजली गिरने से बिहार के 12 लोगों की गई जान। जहां एक तरफ बिहार में कोविड-19 ने आम नागरिकों की परेशानी बढ़ा रखी है, वहीं दूसरी तरफ आकाशीय बिजली ने भी लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार आकाशीय बिजली के गिरने की वजह से बीते दिन 12 लोगों की जान चली गई है। जिन 12 लोगों की जान गई है उसमें बेगूसराय के 7, भागलपुर के 1, मुंगेर के 1, कैमूर के 1, जमुई के 1, गया में 1 व्यक्ति का नाम शामिल है। इसकी जानकारी आपदा विभाग की तरफ से जारी की गई है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जान गंवाने वाले व्यक्तियों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है। शादी से पहले अब नियमों का पालन करना हुआ अनिवार्य। कोविड-19 के इस माहौल में शादी कितनी महंगी पड़ सकती है, इसका प्रमाण पटना का पालीगंज इलाका है, जहां पर शादी के कारण 100 से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए थे। वहीं अब शादी करवाने के लिए नए नियम को लागू कर दिया गया है, जिसके तहत शादी या भोज करने से पहले स्थानीय थाने को सूचना देना अनिवार्य होगा। साथ ही उन 50 लोगों की लिस्ट भी मुहैया करानी होगी जिन्हें समारोह में बुलाया जा रहा है। सरकार के फैसलों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत सख्त से सख्त कदम भी उठाया जाएगा। रेलवे ने बिहार सरकार को सौंपी 55 कोविड कोच। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या बेलगाम बढ़ती जा रही है। इसी को देखते हुए बिहार की राजधानी पटना में रेलवे विभाग की तरफ से 55 कोच उपलब्ध करवा दिए गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पटना में 256 कोरोना मरीजों को कोविड-19 कोच में दाखिल भी किया जा चुका है। इनमें से 125 पेशेंट को बेहतर इलाज के लिए दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करवा दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार रेलवे के कोविड-19 के मरीज के लिए 12,581 बेड उपलब्ध है। सिर्फ बिहार ही नहीं, रेलवे ने अब तक 1,000 कोविड-19 के अलग अलग स्टेशन पर इलाज के लिए विभिन्न राज्यों में तैनात कर दिए हैं। जगदानंद सिंह ने रघुवंश प्रसाद को अपने से ज्यादा बिहार की चिंता होने की कही बात। राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने रघुवंश प्रसाद सिंह की खूब चर्चा की है, जिसके तहत उन्होंने मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान कहा है कि कोविड-19 के कारण रघुवंश प्रसाद सिंह हमसे मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो स्वस्थ होंगे हम उनसे मिलेंगे और वो दोबारा पार्टी में काम को आगे बढ़ाने में लगेंगे। उनके इस अवस्था में भी यह देखकर आश्चर्य होता है कि उन्हें खुद से ज्यादा बिहारवासियों की चिंता है। हालांकि उन्होंने बताया कि रघुवंश प्रसाद सिंह अभी बिल्कुल ही ठीक है और अस्पताल से छुट्टी मिल है, मगर वो फिलहाल होम आइसोलेशन में चल रहे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीनिवासन ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कही अहम बात। मुख्य निर्वाचन अधिकारी HR श्रीनिवासन ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीते दिन कई सारी बातें कही हैं, जिसके तहत उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कोविड-19 के बीच तैयारियां शुरू हो गई है। पिछला विधानसभा चुनाव 9 सितंबर 2015 को घोषित किया गया था, यह जुलाई है, इसलिए अभी हमारे पास काफी ज्यादा समय है। सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी करें। हालांकि कोविड-19 के इस माहौल में भी चुनाव समय पर करवाना और तैयारियों का जायजा लेना बेहद ही चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। हालांकि राजनीतिक जानकारों का भी यही मानना है कि चुनाव आयोग के सामने चुनाव को आयोजन करवाना कोविड-19 के इस माहौल में बेहद ही चुनौतीपूर्ण साबित होने वाला है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी से कोई समझौता नहीं होने की कही बात। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, वहीं महागठबंधन में समन्वय समिति की मांग को लेकर साथ ही महागठबंधन में CM पद की दावेदारी को लेकर काफी ज्यादा मनमुटाव देखने को मिला है। मगर तेजस्वी यादव ने सभी अटकलों को दरकिनार करते हुए साफ तौर पर कहा है कि CM पद की दावेदारी पर उसकी पार्टी कोई समझौता नहीं करेगी। इसको लेकर किसी तरह के मोलजोल की गुंजाइश नहीं है, जिसके तहत उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं खुद से CM पद का दावेदार नहीं बनाया गया हूं। राजद के कार्यकर्ताओं नेताओं ने पिछले 2 साल से राजद के नेतृत्व में मुझे CM पद का दावेदार घोषित करने की मांग की है, इसके बाद ही पार्टी ने यह फैसला लिया है। पटना एम्स को की गई डेडिकेटेड कोविड-19 अस्पताल बनाने की मांग, जिसकी मांग द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से की गई है। मिली जानकारी के अनुसार द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे को इस मुद्दे पर पत्र भी जारी कर दिया और साफ तौर पर पटना एम्स को कोरोना डेडिकेटेड बनाने की मांग की है। साथ ही पत्र में 50% सीट डॉक्टर और हेल्थ वर्कर के लिए रिजर्व किए जाने की भी मांग की है। इसके साथ ही एसोसिएशन ने कोविड-19 की चपेट में तेजी से आ रहे डॉक्टर और हेल्थ वर्कर की संख्या पर भी चिंता जाहिर की है, साथ ही इनकी सुरक्षा के लिए भी अहम पहल की उम्मीद जताई है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में दर्ज याचिका को कोर्ट ने किया खारिज। सुशांत सिंह राजपूत द्वारा अपनी जान लेने के बाद बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद याचिका दायर करवाई गई थी। हालांकि अब CJM कोर्ट ने इस मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इस विषय को अपने क्षेत्राधिकार से बाहर बताते हुए इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, फिल्म अभिनेता सलमान खान, करण जौहर, एकता कपूर समेत 12 फिल्म हस्तियों के खिलाफ परिवाद मुजफ्फरपुर में दर्ज करवाया गया था, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने कहा कि वो इस मामले कोर्ट में पुनर्विचार याचिका जरूर दायर करेंगे।
प्राइमरी टीचर नियोजन प्रक्रिया पर फिलहाल लगाई गई रोक। बिहार में प्राइमरी टीचर नियोजन प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने नियोजन प्रक्रिया पर रोक लगाने की अधिसूचना जारी कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट की आपत्ति के बाद बिहार में प्राथमिक शिक्षक नियोजन का मामला अटक गया है, जिसके बाद यह साफ तौर पर कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षक नियोजन में सर्वप्रथम 2 वर्षीय डीएलएड अभ्यर्थियों का नियोजन कैंसिल किया जा रहा है। शिक्षा विभाग के नोटिफिकेशन में पटना हाईकोर्ट के आदेश का जिक्र किया गया है। लॉकडाउन के लिए जारी की गई जरूरी गाइडलाइन। राजधानी पटना में 10 तारीख से शुरू होने वाले लॉकडाउन के लिए जरूरी गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसके तहत बंद के दौरान पेट्रोलियम, सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी इत्यादि जैसी सेवाएं जारी रहेंगी। आपदा प्रबंधन व ऊर्जा से संबंधित सेवाएं चालू रहेंगी। पोस्ट ऑफिस और नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर काम करते रहेंगे। जिला प्रशासन ने ट्रेजरी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर को बंद के नियमों से अलग रखा है। इसके साथ ही चिकित्सा से जुड़े सभी काम जारी रहेंगे। वहीं राशन दुकान, सब्जी, डेयरी एवं मिल्क, मीट एंड फिश शॉप की दुकान सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खुली रहेगी और शाम 4 बजे से 7 बजे तक खुली रहेंगी। बैंक, इंश्योरेंस ऑफिस खुले रहेंगे। प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट सर्विस से संबंधित सेवाएं जारी रहेंगी। हालांकि राज्य सरकार के सभी दफ्तर बंद रहेंगे। इस दौरान सभी धार्मिक स्थल और पब्लिक संस्थान को पूरी तरीके से बंद रखने का फैसला सुनाया गया है। व्यावसायिक और निजी एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल ही बंद रहेंगे। संभावित बाढ़ को देखते हुए जगह जगह पर तैनात होंगे ड्रोन। बिहार में संभावित बाढ़ को देखते हुए जगह जगह पर सरकार ने ड्रोन को तैनात करने का फैसला सुनाया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपदा प्रबंधन विभाग को पूरी तरीके से सतर्कता के साथ काम करने की अपील की है, क्योंकि 8 से 12 जुलाई तक बागमती बेसिन में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। ऐसे में कई जिलों में बाढ़ की संभावना भी बढ़ गई है। यही कारण है कि राज्य में अति संवेदनशील बांधों पर निगरानी रखने के लिए ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। इसके साथ ही इंजीनियरों की मोबाइल टीम भी तटबंध के निगरानी करेगी। बिहार प्रशासनिक सेवा के 12 अधिकारियों की हुई प्रतिनियुक्ति। बिहार प्रशासनिक सेवा के अपर समाहर्ता और उप सचिव एवं समकक्ष स्तर के 12 पदाधिकारियों की बीपीएससी में प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार इन अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति बीपीएससी परीक्षा के शांतिपूर्ण संचालन को ध्यान में रखते हुए करवाई गई है, जिसके परिणाम स्वरूप यह सभी पदाधिकारी 12 जुलाई से 17 जुलाई तक बीपीएससी कार्यालय में प्रतिनियुक्त रहेंगे, जिसकी सूचना बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। विधानसभा चुनाव स्थगित करवाने के लिए पप्पू यादव खटखटाएंगे कोर्ट का दरवाजा। बिहार विधानसभा चुनाव के आयोजन को लेकर विपक्षी दल बार बार इसे स्थगित करवाने की मांग कर रही है। पहले राजद नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव नहीं करवाने के संकेत दिए थे, वहीं अब पप्पू यादव ने भी कोविड-19 के इस माहौल में चुनाव को स्थगित करवाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही है। विधानसभा चुनाव को लेकर पप्पू यादव ने विरोध भी किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव स्थगित हो, अगर निर्वाचन आयोग ऐसा नहीं करेगा तो वे सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे। इस चुनावी साल में एनडीए पर राजद एमएलए ने की टिप्पणी। इस साल चुनाव होने हैं और ऐसे में चुनाव से पहले ही राजनीतिक रंग में बिहार पूरी तरीके से रंग चुका है, और यही कारण है कि लगातार बयानबाजियों का दौर भी देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में राजद के पास एमएलसी द्वारा पाला बदलकर जदयू में शामिल होने पर राजद के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने बड़ा बयान दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी एनडीए में टूट होगी। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी दावा किया है कि भाजपा और जदयू के कई विधायक राष्ट्रीय जनता दल के संपर्क में और बहुत जल्द ही वो पार्टी छोड़ देंगे। आज दिल्ली में होने वाले संसदीय दल की बैठक में चुनाव को लेकर लोजपा ले सकती है कोई बड़ा फैसला। आज राजधानी दिल्ली में लोजपा बिहार के संसदीय बोर्ड की होने वाली बैठक में कोई अहम फैसला लिए जा सकते हैं। दिल्ली में पार्टी के संसदीय बोर्ड सभी सदस्यों को बुला लिया गया है। गुरुवार की शाम 5 बजे दिल्ली के पार्टी कार्यालय में 12 जनपथ में बिहार प्रदेश के संसदीय बोर्ड की सभी सदस्य पहुंचेंगे, जहां चिराग पासवान से मुलाकात होगी। साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़े कई मुद्दों पर फैसले भी लिए जाएंगे। हालांकि संसदीय दल की बैठक से पहले संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष राजू तिवारी ने चिराग पासवान से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद को किया होम क्वारंटाइन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने आप को होम क्वारंटाइन कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री में कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह फैसला लिया है। इसके साथ ही सीएम हाउस में फिलहाल अभी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, पिछले दिनों में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री के साथ हेमंत सोरेन ने कार्यक्रम में शरीक हुए थे, जिसके बाद हेमंत सोरेन ही नहीं बल्कि प्रधान सचिव, सलाहकार और अन्य लोग भी होम क्वारंटाइन पर चले गए हैं। पाकिस्तान में आयोजित होने वाले एशिया कप 2020 को किया गया कैंसिल, जिसकी जानकारी बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने दी है, जिसके तहत उन्होंने बताया है कि एशिया कप 2020 को कैंसिल कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, एशिया कप का आयोजन सितंबर में पाकिस्तान में होना था। इस टूर्नामेंट को कैंसिल होना भारत के लिए अच्छी और पाकिस्तान के लिए बुरी खबर साबित हो सकती है। पाकिस्तान हर हाल में एशिया कप का आयोजन करवाना चाहता था, लेकिन बीसीसीआई इसके खिलाफ है। बीसीसीआई अध्यक्ष ने यह भी कहा है कि कोविड-19 के प्रति माहौल को देखते हुए इसका स्थगित होना ही सही है।
टिकटॉक ऐप के जाने के बाद मित्रो को करोड़ों यूजर्स ने किया डाउनलोड। टिकटॉक के विकल्प के रूप में मित्रो धीरे धीरे करके भारतीय बाजार में अपनी जगह बना रहा है। भारत और चीन के बीच उत्पन्न हुए तनाव के बाद टिकटॉक पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद देसी टिकटॉक ऐप मित्रो को अब तक गूगल प्ले स्टोर से 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड कर लिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, इंडियन शॉर्ट वीडियो शेयरिंग मित्रो ऐप लॉन्चिंग के एक महीने में 50 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड हो चुकी थी, वहीं करोड़ों लोगों ने इसे अब डाउनलोड कर लिया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है अनिल कुमार, बबीता यादव, शशि भूषण, कुमार अनुपम दुबे, अनिल कुमार, मनीष कुमार, सतीश कुमार, मंजीत कुमार, फिरोज खान, दिव्यांशु कुमारी, अफजल जमाल, पप्पू कुमार यादव, कुंदन कुमार, राकेश कुमार, मनीष रॉय, यश कुमार, सुनील कुमार, आनंद कुमार, शाहरुख खान। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार COVID-19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए बिहार के कई जिलों में लगाया गया लॉकडाउन COVID-19 के रोकथाम में कितना कारगर साबित होगा? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।